ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ओ, खैर तो है बच्चू भाई, आज बड़ी अखबार देख रहे हैं? अरे बाबा, मैं पुलिस वाले को देख रहा हूँ, मुझे बचपन से शौक था। पुलिस वाला देख रहे हैं या पुलिस के हाथों पकड़े जाने का? बाबा, पुलिस वाला बनने का। ओ खैर, अब दूध वाला बनना नसीब में लिखा था, क्या करें? अरे बाबा, हम दूध वाले नहीं है बाबा, हम जो है बाड़ों के मालिक है। हैरत है मुझे भाई, ये तो वही बात हो गई कि कल को अगर आप पुलिस वाले बन जाते तो क्या यही बोलते कि मैं कानून का रखवाला हूँ? अरे भाई, कानून का रखवाला या पुलिस वाला एक ही बात है, इसी तरह दूध वाला हो या दूध का बाड़ों का मालिक हो, एक ही बात है। हाँ बाबा, बात तो तुम ठीक कर रहे, लेकिन हम मालिक है। चलो मान लिया, लेकिन एक बात बताए, ये पुलिस वाला क्यों बनना था? अरे बाबा, पुलिस वाले चितार होते हैं, बहादुर होते हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन थोड़े मजबूर भी होते हैं। आज जिनको सलूट कर रहे हैं, कल उनके ऊपर डंडे बरसा रहे होते, परसों फिर उनको सलूट। अरे बाबा, तुम्हारी बातें ना हमारी समझ से बाहर है, जाओ जाकर चाय बनाओ। अच्छी बात करने वाले की तो कदर ही नहीं है, फौरन चाय के लिए भेज देते। हाँ बाबा, पड़ोस में जाओ, वहाँ चाय वाले की बहुत कदर है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें सर पे उठाएंगे बाबा। मैं इससे अच्छा किचन में ही चला जाता हूँ, जाओ फिर। अदा अरे अदी जरीना, अब क्या हुआ है? अदा, मैं सबसे नाराज हूँ। क्यों बाबा, क्यों? देखो ना, ना मेरी कोई शादी करवाता है, ना मुझे कोई शॉपिंग कराता है, ना कोई मुझे कुछ लेके देता है, सबको बस मुझे चुप कराने की लगी रहती है। अरे अभी मेरी, तू फिक्र ना कर, शादी भी हो जाएगी तेरी। अरे बाबा, वो तो हो जाएगी, लेकिन शॉपिंग, मेरे को ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी। हाँ तो बाबा ले लो, रोका किसने है? अच्छा तो चलो ठीक है, फिर पैसे दे दो। हाँ बाबा ये लो, हाँ ये लो बाबा। अरे बाबा, इससे महंगे तो हमारे बाड़े की गाय जो है ना, वो जेवर पहनती है। अरे तो बाबा क्या करूं फिर? नहीं बाबा, मेरे को नहीं चाहिए इतने पैसे, मेरे को तो लाख रुपए चाहिए। मैं सबको फकर से बताऊंगी कि देखो देखो देखो, मेरे दादा ने 1,00,000 रुपया दिया और मैंने उन पैसों से ज्वेलरी ली है। अच्छा बाबा, अच्छा दे देता हूँ तुझे पैसे, दे देता हूँ, परेशान ना हो बाबा, दे देता हूँ। जोरू का गुलाम हो ना, बेगम बोलेगी तो लेके दोगे तुम, मैं नाराज हूँ तुमसे। अरे जरी, कितना प्यारा सूट पहना हुआ है, कहाँ से लिया? दुकान से। अच्छा, मुझे लगा फैक्ट्री से लेकर भागी है। भाई कौन सी दुकान से? दुकान से, बहुत बड़ी दुकान से। बड़ी वाली कौन सी? ओहो, तुम्हें तो पता है इसे आउटलिस्ट के नाम तो याद होते नहीं है, क्यों पीछे पड़ी हो बिचारी के? हाँ मैं भूल गई थी। भूल गई थी, ये कभी किसी बड़ी दुकान पे शॉपिंग करने गई नहीं है। लो भला, बात कौन कर रहा है? जिसे खुद जुमा जुमा 8 दिन हुए शहर आए हुए, थोड़ा सा पढ़ लेती तो आज ऐसा नहीं होता, जुमा जुमा 8 दिन नहीं 2 दिन होते हैं। खुदा के लिए जरीना, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ। आज ना आधा मेरे को शॉपिंग पे लेके जा रहा है, मैं कपड़े ज्वेलरी और मेकअप का बहुत तो सारा सामान लूंगी। उसने मुझे खुद कहा कि मैं लाखों रुपए की शॉपिंग करूंगा, आज मेरी ईद का दिन है। ये लड़की कितनी क्यूट बातें करती है ना। अच्छा तो फिर तुम इसे गोद ले लो। गोद भरने की उम्र में क्यों गोद उजाड़ने वाली बातें कर रही हो? अच्छा छोड़ो, मैं चाय मंगाती हूँ तुम्हारे लिए। जाने जाने, जल्दी से चाय लेकर आओ। ओ बाबा, अरे वाह क्या छलांग है, वाह 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 बाबा वाह, क्या वाह। अरे बाबा बहरा हो गया है क्या, बाहर कोई आया है? जाओ बाबा देखो। बाबा डंडा भी मारो, आइए आइए लीजिए जनाब, पेश खिदमत है बहादुर पुलिस वाला। बेग साहब सही सही बताइए क्या मसला है? अरे भाई जल्दी से मुझे कहीं छुपा लो, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। अरे बेग साहब ऐसा कैसे हो सकता है, पुलिस के पीछे पुलिस कैसे लग सकती है? सादा लिबास में होगी ना। अरे नहीं भाई, वर्दी में वो सब।
तो बेग साहब आप भी तो वर्दी में, आपने कौन सा शरारा और गरारा पहना है? असल में मैं समझ गया, मुझे लगता है सारे पुलिस वाले चुपन छुपाई खेल रहे हैं ना। अरे भाई तुम लोग अपनी साफत बंद करो और जल्दी से कहीं मुझे छुपा दो। मैं समझ गया, पुलिस वाले जो है ना ये मुझे लगता है छुपन छुपाई खेल रहे हैं ना। बकवास बंद करो अपनी, मैं तो जा रहा हूँ उधर छुपने के लिए। छोड़ो छुपने दो। अरे बेग साहब, अरे बाबा ये करंट क्या होता है? ये वो होता है जब लगता है ना तो बाल खड़े हो जाते हैं। और ये करंट नहीं, वारंट, यानी कानूनी हुकुम। बिना कानूनी हुकुमनामे के कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे बाबा तो रोको ना इनको, ये अंदर कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अकेले मैं नहीं रोकूंगा। कानून के बीच में अगर मैं आ गया तो मुझे तो सजा हो जाएगी। अच्छा बाबा चलो फिर साथ चलते। अरे बाबा बेग साहब, इतना तजस्सुस तो बाबा अंग्रेजी फिल्मों में नहीं होता है। बच्चों आपने अंग्रेजी फिल्में कब से देखना शुरू कर दिया? वो बाबा आप जब थोड़ा सा मसरूफ होते हो ना तो मैं छुप के अंग्रेजी फिल्म देख लेता हूँ। चलो इस बहाने आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। नहीं नहीं बाबा, बेहतर कैसे हो जाएगी, मैं तो आवाज बंद करके देखता हूँ, समझ कौन सा आती है। अबे तुम लोग मेरी कहानी छोड़ के अपनी दास्तानें लेके बैठ गए हो। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, पर बेग साहब आप भी बता दें, आप भी तब से पानी पे पानी पिए जा रहे हैं। 3 ग्लास पानी पी चुके हैं आप। हाँ बाबा बाबा, पानी तो अंदर जा रहा है, बात बाहर नहीं आ रही है। अब पानी मत मांगिएगा, बात बाहर आए या ना आए पानी जरूर बाहर आ जाएगा। अच्छा अच्छा सुनो, हुआ कुछ यूं कि डीएसपी साहब की बेगम की सालगिरह थी। चल 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 बटवा निकाल, बटवा जल्दी बटवा निकाल और चल निकल चल। अबे पुलिस, एक्टिंग शुरू कर दे ताकि उनको शक ना लगे। हेड अप, ओए क्या हो रहा है ये? मैं पुलिस वाले अंदर, हम ना तोलल पुलिस का खेल ले, चलो भाई दो भी तू दे जल्दी नहीं था। हेलो अबे ये कोई असली पिस्तौल थोड़ी है, इसे थोड़ी लूटा जाता है। फिर इंस्पेक्टर साहब ये थोड़ा एबनॉर्मल है, खेलने दे। हाँ हाँ पुलिस वाले अंदर, मुझे ना खेल लेने और आप इधर चले अदल अपनी दान दिए मानते तो फौरन ये डब्बा मुझे दे दे वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। अगर किसी को लूटना है तो कोई बड़ा सा डंडा लेकर आओ। डंडा डंडा लेकर आओ, डंडा लेकर आओ, दली देला और पुलिस वाले अंदर ये डब्बा तो मुझे दे दे आप। नहीं नहीं भाई, ये तो किसी की अमानत है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इसमें बहुत कीमती हार है, ये मैं नहीं दूंगा किसी को। तो मैं आप तो इतना लूटूं ये तो बताएं। किसी को अगर लूटना है तो एक मजबूत सा डंडा लेकर आओ। अच्छा फिर? हाँ डंडा लाओ और फिर लाकर इतने जोर से उसके सर पे मारो। तो बस ये था सारा मामला। ओहो, यानी लोग नमाज बख्शवाने गए और रोजे गले पड़ गए, आप एबनॉर्मल को बहलाने गए थे और होशियारी गले पड़ गई। लेकिन मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही। सीमा मैडम, आपने कहीं बच्चू साहब की तरह बेग साहब की फिल्म आवाज बंद करके तो नहीं देखी? तुम तो चुप करो जानी। बेग साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि पुलिस उन चोरों की बजाय आपके पीछे क्यों पड़ी है। इसलिए कि डीएसपी साहब की बेगम ने FIR कटवाई है और उसमें मुझे नामजद किया है, इसलिए डीएसपी साहब ने सारी नफरी मेरे पीछे लगा दी है। मुझे तो कहीं छुपा लो जल्दी से यार तुम लोग। हाँ लेकिन बेग साहब आप कब तक इस तरह छुपते रहेंगे बाबा? बस आज की रात गुजार लूं, फिर फिर क्या, ये खुद भी फिर चित्रौल खाने के तजर्बे से आरास्ता हो जाएंगे। और तू चुप कर, कभी कभार कोई अच्छी बात भी कर लिया कर। वैसे मेरे पास ना एक आइडिया है। वो क्या है जरा जल्दी से बताए। मैं ना ये सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए ना आप जाने की जगह पे आ जाए, इस तरह जाने को भी रेस्ट मिल जाएगा, आप बस घर के काम वाम देख लेना, झाड़ू पोछा ये सब कुछ बस, और ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। चले अगर आप लोग कहते हैं तो फिर ठीक है। भाई एक बात है, इसमें किसी और का भला हो ना हो मेरा भला जरूर हो जाएगा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अबे यार ये कहाँ फंसा दिया मुझे। हाय 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 हाय, अपना बेग साहब अच्छे से इनको जरा धो लीजिएगा चमका के। अबे यार कुछ तो ख्याल करो मेरा, मैं मुलाजिम हूँ और वो भी सरकारी मुलाजिम। बेग साहब
इस वक्त आप सरकारी नहीं बल्कि इश्तिहारी हैं, और जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे वो चुपचाप आप करते जाएं। बेटा एक बार बहाल हो जाने तो मुझे, फिर देखना क्या करता हूँ मैं। दूर दूर तक आप मुझे बहाल होते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ अलबत्ता अनकरीब बेहाल होते हुए जरूर नजर आ रहे। देख लूंगा सबको, एक दफा बहाल हो जाओ फिर देखना क्या करता हूँ। यार आजकल हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। हालात तो ठीक है, मौसम ठीक नहीं है। अरे बाबा तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता, सब बुरा लगता है, तो टाइम निकाल के मर क्यों नहीं जाते तुम दोनों? अरे यार बच्चू भाई मरना भी तो ठीक नहीं है ना, और खुदकुशी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ बाबा ये बात भी है, ये बात भी है। बच्चू भाई ये नया नौकर रखा है क्या? अभी तुझे नया दिख रहा है? इतना पुराना है, शक्ल देख बुड्ढे की। अरे बाबा तमीज से बात करो, ये हमारे वो जानी है ना, उसके खालू हैं। इनको काम की जरूरत थी तो हमने यहाँ रख लिया। और जानी का है? बाबा अंदर है, अंदर है। भाई बड़ा पैसा है तुम लोगों के पास, ख्याल करना, चोरी चकारी आम है। अरे हाँ याद आया, वो अपने बेग साहब थे ना पुलिस वाले, वो अपने DSP साहब की बेगम साहबा का हार लेके भाग गए। मुझे तो शक्ल से ही राशि लगता था। सही कहा यार, शक्ल से ही करप्ट इंसान लगता था वो बुड्ढा। अरे तो भाई इनको क्या हो गया बच्चू भाई? अरे बाबा बुड्ढा आदमी है ना तो खांसी आ जाती है कभी कभी। आप अंदर जाएं बाबा, आप अंदर जाएं। शाबाश, चाय लो भाई चाय लो। हाँ बाबा चाय लो, ये तुम भी पियो, ये हम भी पिएगा। खोलो बाबा खोलो। तुम्हारी ये जो गाड़ी है ना बहुत महंगे दामों में बिक सकती है, ऐसा करो कि ये किसी डॉक्टर को बेच दो। इतने झटके पापा पथरी हो ना, गुदी निकल जाएगी इसमें बेचने के बाद। अभी जाओ अदा से बोलूंगी इसको बेच के ना कोई ट्रक ले ले से अच्छा। लड़े एक्सक्यूज मी लेडी, ए ये तुमने लेडी किसको बोला? हैंडसम लेडी। हाँ जी जी, हमें ना आपसे एक एड्रेस पूछना है। आप पूछो, मैं बहुत जहीन हूँ, वैसे भी मैंने इंग्लिश में MA किया हुआ है। अच्छा फिर तो आप ही एक एड्रेस बता सकती हैं। वो देखें क्या है कि ये जो एड्रेस है ना, हाँ हाँ ये वाला ये एक ऐसा घर है कि जिसके जो ना चारों तरफ घर है, उसके दाएं भी घर, बाएं भी घर, आगे भी घर, पीछे भी घर, ऊपर भी घर और नीचे भी घर है। हो गया मिल गया मुझे, चलो। आगे भी घर, पीछे भी घर, ऊपर भी घर, नीचे। अरे कोई है? अरे कोई है या कहीं दफन हो गए सारे के सारे? मैं हूँ, वो फरमाइए। तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? गुफ्तगू के अंदाज से तो कोई बदतहजीब खातून लग रही है, मगर आप खुद ही अपना तारुफ बयान कर दें तो बेहतर होगा। मैं मिसेस बेग हूँ। हाँ तो इसमें करने की क्या बात है? क्या मिसेस बेग? एक मिनट मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा आप कौन हैं? क्या सब लोग आकर मेरी शनाख्त परेड करते रहेंगे? बाबा ये आप इतनी गाड़ी उर्दू हमें नहीं आती है बाबा, इतना समझ आया कि आपने इसमें शनाख्ती कार्ड का बोला है बाबा, आप इसका मतलब है नादरा से आई हैं। जी नहीं, मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ और मैं बेग साहब की मिसिस हूँ, समझे? बेग साहब? बाबा कौन बेग? बेग साहब की? एक मिनट में आया, अभी अभी आया बाबा। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, भागे जा रहे हैं। खैरियत आपकी तारीफ, मैं बताऊंगी तो आप भाग तो नहीं जाएंगी? क्यों आप क्या यहाँ पे छापा मारने आई हैं? मैं मिसेस बेग हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर बेग साहब की बीवी। मिसेस बेग, मैं अभी आती हूँ। अरे कौन है तू पागल घोड़ी? इससे पहले कि तुम भी भाग जाओ इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। अरे छोड़ मेरे को, बड़ी आई मेरे को भगाने वाली, मैं भागने वाली नहीं, भगाने वाली हूँ। कौन है तू? ओहो तमीज से बात करो, मैं मिसेस बेग हूँ। बेग कौन बेग? आप बेग को नहीं जानती? अरे हाँ पापा जानती हूँ, लाल बेग, हैंड बैग, शॉपिंग बैग और स्कूल बैग। मैं पुलिस वाले बैग की बात कर रही हूँ। अरे पुलिस के पास भला कौन सा बैग होता है, उनके पास तो पिस्टल का पाउच होता है, पाउच। ओहो पागल हो जाऊंगी, हटो। आई घोड़े जेतरी दमाई है, अल्लाह खैर करे, केड़े बैग बैग कौन सा बैग? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा।
खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे भाई तुम लोग जाओ और जाके मामले को संभालो। बेग साहब ये मामला संभलते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। बेग साहब वो तो पहले से ही पुलिस वाली लगती हैं। आखिर है किसकी बीवी वो? ये पूछ रहे हैं या बता रहे? अरे भाई पूछ रहा हूँ ताकि तुम लोग बोलो कि मेरी। नहीं नहीं बेग साहब ऐसा कैसे हो सकता बाबा, मेरी वाली तो ये रही, मैं उनको अपनी वाली कैसे कह सकता हूँ? मेरी तरफ तो देखना भी मत बेग साहब। अरे तुम अपनी बकवास बंद करो और जाके उसको संभालो। और हाँ मेरी बीवी को बताना कुछ नहीं। बड़ी भारी जिम्मेदारी दे रहे हैं आप तो। अरे जाओ भी अब। आजा, आजा। अरे भाई कोई एक तो मेरे साथ रुक जाओ, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ एक काम करता हूँ बाबा, मैं आपके साथ रुक जाता हूँ, हम दोनों मिलकर डरेंगे। आप लोग जाओ बाबा। डरो बाबा डरो। अरे जब हम लोग गए थे तब तो आप अकेली थी, अब ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? मैं DSP हूँ और ये मेरी वाइफ है और वो बेग साहब की वाइफ है और हम सब मिल के बेग साहब को ढूंढ रहे हैं। बेग साहब क्या खो गए कहीं? बेचारे के साथ कोई हादसा हो गया है जिसकी वजह से वो गायब है। हम लोग इसी वजह से यहाँ आए हैं कि हम बता सकें कि वो चोर मिल गया है। अगर बेग साहब मिल जाए तो उनको बता दीजिएगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। अरे बाबा अदा के सारे पैसों से तो मैंने कपड़े खरीद लिए, ज्वेलरी तो मैंने ली ही नहीं। ये क्या है? अरे बाबा ये तो मैंने लिया ही नहीं था, ये कब से आ गया? अरे ज्वेलरी, हाँ कहूंगी कि मैंने ज्वेलरी भी ली है। ठीक है बाबा ऐसा करती हूँ कि मैं अभी जाके अदा को दिखाती हूँ कि देखो अदा देखो मैंने ज्वेलरी ली है, कितनी खूबसूरत लग रही है, अभी जाके दिखाती हूँ। अरे वाह बेग साहब अब तो चोर पकड़ा गया है, अब आप अंदर जा सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब मैं अंदर जाता हूँ। चले चले। मुबारक हो सर मुबारक हो, आखिर आपको पता चल गया ना कि मैं चोर नहीं हूँ। चोर कहीं के, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तुम यही रुपोश थे, ये सारी हमारी प्लानिंग थी तुम्हें पकड़ने के लिए, समझे? बेग को पकड़ लिया है हमने, जल्दी से नफरी भेजो, इमीडिएट जल्दी से। भाजाई, अरे इतने सारे लोग, मेरे अदा ने मेरे को हार लेके दिया, आप सब लोग इसको देखने के लिए आए, वाह वाह वाह। अरे ये तो मेरा हार है। ये हार तुमने इस लड़की को दिया बेग? हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या बकवास है बाबा, ये मेरे अदा ने मेरे को खुद लेके दिया है बाजार से, बता बताओ वाला। हाँ बाबा मैंने लेकर दिया है। क्या तुमने? हाँ बाबा मैंने, और क्या बेग साहब ने। बच्चू ये हार वही है बेग साहब वाला। ये बेग साहब वाला नहीं, ये मेरा वाला हार है। क्या अब पता चलेगा बच्चू, चल बेटा। जाने तुम देख रहे हो कि हम लोग इल्मी बातें कर रहे हो और तुम्हें मालो दौलत की पड़ी हुई है। इल्मी बातें आप दोनों, खैर तो है, ये सूरज कहाँ से निकला है? पता करो भाई। अरे बाबा क्या हम इल्मी बातें नहीं कर सकते? आप फिल्मी बातें नहीं कर सकते, इल्मी तो बहुत दूर की बात है। हालांकि आपको मुंह लगाना फजूल है लेकिन फिर भी आप हमारे लिए अच्छे भाई से कम नहीं। हालांकि आप तो दुश्मनी के भी लायक नहीं लेकिन फिर भी हम लोग आपको एक अच्छा दोस्त समझते हैं। अरे अरे बाबा बस करो बस करो, इतनी इज्जत मत दो बाबा, मेरा हाजमा खराब, तबीयत खराब हो रही है बाबा, बताओ क्या बात है। ओ भाई तुम कहाँ आ रहे हो? जाओ मैडम का सामान लेके आओ गाड़ी से। अरे भाई क्या हो गया, मेरे हस्बैंड है। आपका मेरा मजाक है? नहीं तो? तो फिर क्यों किया? तमीज से, ये मेरी बीवी है। तेरा मेरा मजाक है? नहीं तो? तो क्यों कर रहा है? अच्छा तुम नाराज नहीं हो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। नेक्स्ट टाइम? अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है बाबर। लगता है ये कम बोलते हैं। ये बोलने ही नहीं देती है वरना मैं तो। आप चुप कर जाएं। अरे बात क्या है? अरे बाबा उसका शोर। उसके शोर में ऐसी क्या बात है, क्या होगा उसके शोर का, क्यों हंस रहे हो तुन्ना? ओए ओए सालों की कौन सी दोस्ती, अभी तो मुलाकात हुई, सालों की दोस्ती कहाँ से है? अरे बाबा हम तो आपको बचपन से जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं। मेरे को? आप मेरे साथ चले मैं आपको किंग कॉन्ग दिखाता हूँ। वो तो मैं अभी भी देख रही हूँ। क्या है भाई मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे किंग कॉन्ग मत कहिएगा, वो लड़की उठा के ले जाता है। इम्प्रोवाइज़ सीन नहीं,
मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।